तमाम वो विषय जो अभी भी विचाराधीन है या फिर किन्हीं ना किन्हीं अन्वेषणों की आवश्यकता है, ऐसे अन्वेषण युक्त विषयों पे भी हम एक बार कुठाराघात करने की कोशिश करेंगे, जिसके माध्यम से तमाम योग शिक्षकों तक, तमाम योग के साध्यों तक, तमाम योग के साधकों तक इस बात को पहुंचाया जाएगा कि वास्तव में योग की पारंगतता की कितनी आवश्यकता और कितनी नितांतता आज भी व्याप्त है। आइए आज मैं अपने पैनल में आपकी मुलाकात करा दूं। आज है हमारे साथ में योग शिक्षक संघ के प्रेसिडेंट मिस्टर नवीन कुमार जी, नमस्कार। और साथ में ही है हमारे साथ में स्पिरिचुअल लीडर और एक महान योग गुरु जिनका नाम है आचार्य रविशंकर तेजस्वी जी। हरिओम, नमस्कार। तो आज हम इस योग मंथन के कार्यक्रम से सर्वप्रथम उन प्रश्नों को ही रखना शुरू करेंगे जिन प्रश्नों के माध्यम से वास्तव में योग साधकों को, योग अध्यापकों को ये बात पता चलेगी कि वास्तव में योग की जो प्रतिभूतियां हैं, जो हमारे पास में है, जो हमारे पास में एसेट्स हैं, उसको हम किस प्रकार से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम मेरा सवाल जो है वो योग शिक्षक संघ के प्रेसिडेंट आदरणीय नवीन जी से ही होगा। आदरणीय नवीन जी, आपकी वीडियो म्यूट हो रही है शुभम जी। मुझे लगता है शिवम जी को कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। मे बी प्रयास करें उन तक हमारी आवाज पहुंच रही हाँ हो तो। पहुंच, वो दोबारा कोशिश कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। क्षमा करें, मुझे लग रहा है इंटरनेट की कोई अव्यवस्था है इस समय। जी, बिल्कुल कोई तो जी, जो बात तो मैं नहीं। नवीन जी आपसे मैं प्रश्न ये पूछ रहा था कि जो योग शिक्षक संघ है, सर्वप्रथम तो इसे आप हमारी इस पूरी योग संकाय से संबंधित जितने भी छात्र हैं इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें, और वो परिविधाएं जो आप लोगों ने डिसाइड किया है अपने कार्यक्रम की रूपरेखा के माध्यम से उसे किस प्रकार आगे ले जाना चाहते हैं, इसके विषय में थोड़ा सा इस पर प्रकाशित इस मुद्दे को प्रकाशित करें आदरणीय नवीन जी। सर्वप्रथम तो मैं शुभम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि आपने इस तरह के कार्यक्रम की रूपरेखा को रखा है, और ये योग से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए ये कार्यक्रम है। और इसमें अगर मुझे आने का आज मौका दिया है आपने, तो सबसे पहले मैं इस तमाम योग शिक्षक संघ से जुड़े लोगों और जो भी लोग हमें देख पा रहे हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ। देखिए, योग शिक्षक संघ ये कोई एनजीओ या उस तरह की संस्था नहीं है जो आमतौर पर बनती है। योग शिक्षक संघ एक यूनियन है, और ये ना तो इसे मैंने बनाया, ना तो इसे आपने बनाया, और ना तो किन्हीं और जो लोग जुड़े हुए उन्होंने बनाया। ये एक सोच थी ये कि इस तरह की संगठन बनाई जाए, और इसीलिए कि ये किसी की पर्सनल कोई प्रॉपर्टी संस्था नहीं है, ना तो किसी के हमारी है, ना तो आपकी, कि आप इसे बोल सकते हैं कि ये मेरी संस्था है। ये हर उन योगियों की संस्था है जो अपनी इस व्यक्तिगत जीवन में योग को लेकर समर्पित हैं या फिर योग की प्रविधा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये उनके लिए काम करने के लिए ये संस्था का निर्माण किया गया था। अगर इसकी बात अगर आप देखें तो इसमें हम लोगों ने जब से इस संस्था का निर्माण हुआ 2016 में इसका निर्माण हुआ था, और उसके बाद से निरंतर ये योग के प्रविधाओं को लेकर आगे बढ़ रही है, और निरंतर इसमें हमारा प्रयास है कि योग के जो मूल तथ्य हैं या योगा इन ट्रू फॉर्म जिसे बोलते हैं उस परिवेश को लेकर हम आगे बढ़े। इसी के लिए इस संगठन का निर्माण हुआ, और इसमें हमारे बहुत से सहयोगी अनेक अनेक राज्यों से, भारत के कई राज्यों से जुड़े। इवन अभी हमारा जो इंटरनेशनल लेवल के पटल पे हम इस भूमिका को रख पाए, और वहां से काफी लोगों की सराहना भी मिली और काफी लोग जुड़ रहे हैं, जिसका कई जब हम देख भी पा रहे हैं अभी कि आपके माध्यम के द्वारा जो वॉइस ऑफ योग एक कार्यक्रम आपने रखा उसके माध्यम से कई सारे इंटरव्यू हम कर रहे हैं अभी, और आगे भी इस विषय में बहुत सारी चीजें होनी है जिसकी रूपरेखा आपके सामने रखी जाएगी। तो संगठन का मूल उद्देश्य योग के ट्रू फॉर्म्स को जन जन तक पहुंचाना है, ये इसका मूल उद्देश्य है।
जी नवीन जी, वास्तव में ये जो आपने बात कही है कि ये एक संस्था है, एक एनजीओ है, और इनसे इनसे बहुत ऊपर की संस्था है जो ना केवल योग शिक्षकों के ओवरऑल वेलबींग को अपने मस्तिष्क में रखती है। मैं अपने दूसरे प्रश्न के तौर पे यही आपसे चाहूंगा कि आप इस विषय पे एक प्रकाश डालें कि जी वास्तव में बिल्कुल यदि हम बात करते हैं जबकि योग किस प्रकार से आज के निकाय में जरूरी है, तो सर्वप्रथम जो चीज आती है वो होती है योग की शिक्षा। तो योग की शिक्षा के लिए जो आपने किया है या जो भी आपका आपके पूरे संस्थान के द्वारा किया जा रहा है, इस विषय में थोड़ा सा प्रकाश दीजिए, क्योंकि योग की शिक्षा तो वास्तव में इस समय पूरे भारतवर्ष में अनेकानेक संस्थान है जो 200 घंटे 500 घंटे की चीजें कर रहे हैं। तो आप योग की शिक्षा के माध्यम से ऐसा क्या करना चाहते हैं जो योग शिक्षकों तक पहुंचे और योग शिक्षकों की ओवरऑल वेलबींग के लिए काम आने वाला है, मतलब योग की तमाम शिक्षाओं के विषय वस्तु पे प्रकाश डाले नवीन जी। देखिए शिवम जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका ये रहा और मैं इस पे अपना विचार दूं। तो सबसे पहले चीजें होती है, जब हम शिक्षण की बात करते हैं तो हमारी दो तरह की शिक्षण आती है। एक होती है हमारी एकेडमिक शिक्षण, जो कि हम किसी कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी से लेते हैं। सेकेंडरी जो हमारी आती है वो होती है हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जो कि जब हम अपने प्रोफेशन में आते हैं, जब हम किसी एकेडमिक से बाहर निकलते हैं उसके बाद हम अपने प्रोफेशन में आते हैं। उस प्रोफेशन को अपने मुखर बनाने के लिए अपने अकॉर्डिंग या जो इंडस्ट्री की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग जो डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने के लिए जो ट्रेनिंग जाती है वो हमारा प्रोफेशनल ट्रेनिंग में आती है, जिसके लिए आजकल बहुत सी सारी संस्थाएं 100 आवर्स 200 आवर्स इवन 500 आवर की क्लासेस चलाते हैं। इसी जब हमने देखा, जब इस विषय में हम लोग बहुत दिन से जुड़े हैं और काम भी कर रहे थे, तो इस चीज की काफी डिमांड आई कि नहीं, एकेडमिक से तो हम बाहर निकल जाते हैं लेकिन हम 200 आवर्स की टीचर ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं, बहुत सारी संस्थाएं चलाते हैं, लेकिन हमें कुछ चीजें तो मिल जाती है वहां से, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे हम लैग कर जाते हैं और वहां पे फिर हमारा शोषण होता है। शोषण अभी तक अगर देखें, अगर योगा पटल में जो योगी बहुत ही भोले होते हैं, योगी जो होते हैं वो बहुत ही भोले होते हैं। कुछ लोग हैं जो कि प्रोफेशनल में आते हैं, जब प्रोफेशन में वो आते हैं तो उन्हें बहुत सारी ऐसी टेक्निकलिटी होती है जिन्हें पता ही नहीं होता कि हम अपने आप को कैसे पब्लिशाइज करें, अपने आप को कैसे अपग्रेड करें, उन चीजों में उनकी नॉलेज जीरो हो जाती है। और वहां से फिर क्या होता है कि कुछ ऐसे चंद आते हैं जो योग माफिया के तौर पे आज के डेट में आप देख पाएंगे, या फिर हम उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे भी, तो वैसे लोग फिर निकल के आते हैं और वहां से क्या होता है, उनकी जो शिक्षण है वो वहीं पे दब जाती है और वो ऊपर नहीं उठ पाते, क्योंकि पॉइंट उनका रहता है कि टीटीसी चलाओ और जितने मैक्सिमम बैचे हम कवर कर सकें, फी भी काफी हाई होती है। तो योग शिक्षक संघ के संज्ञान में जब ये चीजें आई कि इस तरह की चीजें मार्केट में अवेलेबल है और इस तरह की चीजें जिसमें बहुत सारे शोषण हो रहे हैं, तो इन्होंने कि नहीं, हमारा योग शिक्षक संघ का मेन उद्देश्य है कि योग को सरल और सस्ते दामों पे हर किसी को मुहैया किया जाए। इसके लिए हम लोगों ने दो चीजें स्टार्ट की, जो एक टीटीसी के तौर पे हम लोगों ने स्टार्ट एक रूरल एरिया में किया और एक अर्बन एरिया में किया, जिसकी फी बहुत ही कम है और एक मिनिमम, जिसमें कि जो लोग भी आज हम लोगों ने कई स्टेट से अपने टीचर्स के साथ इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया और जैसा कि अभी हमारी काफी सफलता उसमें मिल भी रही है और ये देखने को मिल रहा है कि जो भी शिक्षक यहाँ पे उसका अध्यापन करवा रहे हैं वो ये सोच कर नहीं आ रहे हैं कि हमें 200 आवर्स का क्लासेस करानी है, वो ये सोच के आ रहे हैं कि नहीं, इस संस्था ने इस तरह के कार्यक्रम को स्टार्ट किया है और ये वेलबिंग के लिए है, योगा वेलबिंग के लिए, और वो अपने दिल से, हम अगर उन्हें टास्क अगर उन्हें असाइन किया गया कि 200 या 200 आवर के लिए कराना है, वो 200 से कहीं एक्सीड कर रही है, 300 500, लेकिन अदर संस्थान के लिए अगर आप देखें तो वही चीजें होती है कि वो नहीं, पहले 100 आवर्स करो फिर उसी के कन्वर्जन में लगे रहते हैं कि नहीं, किसी उसी पैटर्न को वो सेल आउट करते हैं 500 और अदर कोर्सेज के लिए। तो यहाँ पे योग शिक्षक संघ के माध्यम से एक चीजें बहुत ही अच्छी हुई और हमें बहुत खुशी है आज इस तौर पे कि जब से मुझे ये कार्यभार मिला इस तरह की चीजों को आगे बढ़ाने का, और आप लोग का बहुत सहयोग रहा, सिर्फ आप लोग का नहीं और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ मुखातिर होंगे, तो उन लोगों का सब सहयोग मिला और ये बहुत ही एक अच्छे लेवल पे कार्यक्रम चल रहा है। और शिक्षण की दृष्टि से हम अभी रिसर्च और बहुत सारी चीजें इस पे करने वाले हैं, तो शिक्षण का पहला पैटर्न हमने अभी यही किया है, अर्बन एरिया और रूरल एरिया लेकर आए हैं टीटीसी के तौर पे, जो कि बहुत ही मिनिमम सुलभ और सस्ते दरों पे हम लोग ने उपलब्ध कराया है। मित्रों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आज जिस विषय पे बात हो रही है ये वास्तव में एक ऐसा विषय है, एक ऐसी परविदा है जो आप सभी के द्वारा और आप सभी के लिए बनाई गई है। योग शिक्षक संघ का पूरा पूरा प्रक्रम जो है वो सिर्फ आपके लिए ही है और इसमें जो अभी आदरणीय नवीन जी ने आपको बताया
कि वास्तव में रूलर और अर्बन यानी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए जो कार्य किया जा रहा है योग शिक्षक संघ के द्वारा वो अभूतपूर्व है। मैं इसमें एक शब्द आपने अभी लिया था नवीन जी, उस शब्द में मैं थोड़ा सा आचार्य रविशंकर तेजस्वी से अनुरोध करूंगा कि आप भी कुछ प्रकाशापात करें। शब्द था योग माफियाइज्म। आखिर ये योग माफियाइज्म क्या है और इसे किस प्रकार से योग के छात्रों शिक्षकों और योग के प्रोफेशनल्स को योग की शिक्षा को योग की गूढ़ विद्या को एक प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो मैं आचार्य रविशंकर तेजस्वी की तरफ चलूंगा। आचार्य श्री बताएं प्लीज। हरिओम, आप सबको नमस्कार एक बार फिर से। देखिए नवीन जी ने जो ये बात कही ये इससे समझ लीजिए कि पूरे योग का संकाय एंटायर योग त्रसित है और ये बहुत कॉमन है। इसे आप इस तरह से समझें, इसके लिए एक इसका पर्यायवाची शब्द भी ले सकते हैं जिसको हम कहते हैं लॉबिंग। तो लॉबिंग में इशू ये है, लॉबिंग में जो मेन मुद्दा है वो ये है कि आज के समय में गिने चुने कुछ ब्रांड्स जो ब्रांड बन गए हैं कालांतर में, सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनको केंद्र में रखकर या तो वो योजनाएं बनती हैं या फिर सरकार की ऑलरेडी बनी हुई योजनाओं का वही गिनती के कुछ संस्थान पूरी तरह से अपने कब्जे में लिए रहते हैं। बहुत मुश्किल मुझे लगता है कि कोई 10-15% या 20% के रेशियो में आप देखेंगे कि सरकारी उस लॉबी के बाहर आ पाती है और कॉमन योग टीचर्स को अवेलेबल हो पाता है। एक बात तो ये है, कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने इस पर इस विषय पर चर्चा की थी और वो ये था कि इस लॉबिंग के खिलाफ कैसे काम कर सकते हैं। तो इसका सीधा सा तरीका ये है, और इसमें सबसे पहले बात इसके खिलाफ क्यों जाना है, इसे नुकसान क्या है, ये माफियाइज्म एक्चुअली है क्या और इससे हो क्या रहा है, क्षति क्या हो रही है योग समुदाय को, तो ये एक बड़ा प्रश्न है। पहली बात तो ये कि उदाहरण के तौर पर यदि आप ले लेते हैं, मैं कुछ एक योगा बार्डर्स का नाम लेता हूँ, हालांकि ये पूरी इंडिपेंडेंटली पूरी तरह से योग के लिए नहीं काम करती बल्कि और दूसरे भी चीजें इनमें है। जैसे पहला है इसमें ICCR, ICCR के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, उनमें से एक रिक्रूटमेंट ऑफ TIC भी है, टीचर ऑफ इंडियन कल्चर के तौर पर वो रिक्रूट करके टीचर्स को 2 साल के कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर भारतीय दूतावासों में विदेश भेजते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आप क्राइटेरिया को पढ़ें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़ें, ठीक है, आप QCI कर लें, ये कर लें और तमाम जो भी उनके अर्थ है उसे पूरी करें, उसके बाद वो आपको भेजेंगे। एक बात तो ये समझ में आती है, लेकिन ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल उनके लिए है जो योग टीचर्स हों, लेकिन आपके हैरानी के लिए और आपके जानकारी के लिए ये बता दूं कि बहुत सारे TIC यानी टीचर ऑफ इंडियन कल्चर के रिक्रूटेड कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो कहीं से किसी भी प्रकार के योग की कोई डिग्री नहीं होती उनके पास, कोई लीगल क्वालिफिकेशन नहीं होता। हाँ, मैं कई बार इस बात पर एक बहस हो जाती है कि क्या डिग्री होना जरूरी है सिखाने के लिए, थोड़ी देर के लिए हम उसको नहीं भी मान लें तो फिर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्यों सेट किया है आपने उस तरीके का? और यदि आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया है तो आपको अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर खरा उतरना होगा, उससे आप दरकिनार करके और फिर रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते, और यदि आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो उसको ध्यान में रख के करना हो, जबकि ऐसा नहीं होता है। और मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूँ, ये प्रश्न चयन केवल ICCR के ऊपर नहीं है, ये पूरे इस प्रक्रिया के ऊपर है जो इसके चयन में शामिल है। और इस प्रक्रिया में केवल ICCR अकेले शामिल नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की इन्वॉल्वमेंट होती है, SSRYN की इन्वॉल्वमेंट होती है, सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट इज लिटरली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, और इसमें बड़े संस्थानों का पूरी तरह से हाथ होता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो IAS रिटायर्ड रह चुके हैं और सिर्फ वो योग सीखते थे किसी से और वो ICCR के इस प्रोजेक्ट में टीचर ऑफ इंडियन कल्चर बनके विदेश में सेवा दे रहे हैं, तो ये कैसे संभव हो जाता है?
ये लॉबिंग ही तो है, ये माफियाइज्म ही तो है। आप वो सीट जो एक योगा टीचर के लिए होना चाहिए, एक योग शिक्षक के लिए होना चाहिए। जी मैं आपको बीच में ही आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा आचार्य श्री, मैं चलता हूं नवीन जी की तरफ। आदरणीय नवीन जी, यदि हम बात करते हैं सरकारी क्षेत्रों के इतर यदि प्राइवेट क्षेत्रों की तरफ, तो प्राइवेट क्षेत्रों में जो माफियाइज्म चल रहा है, जो आजकल बहुत ज्यादा है, कोई बच्चा विद्यालय से निकलता है और जैसे ही किसी बड़े शहर में, दिल्ली जैसे, मुंबई जैसे शहर में पहुंचता है, तो वहां पे पहले से सेटल्ड लोग जो योग से दूर दूर तक किसी प्रकार से संबंधित नहीं है, उन बच्चों के ऊपर ऐसा कुठारपात करते हैं जो उनके पूरी उनकी कमर की हड्डी को तोड़ देता है। क्या इकोनॉमिकल बेसिस पे, मतलब आपको एक कक्षा प्रोवाइड कराई जाती है और उसके बदले में आपसे ढेर सारा पैसा लिया जाता है, एक कंसेशन या जो भी कह लीजिए कि आपसे, आप हमको कक्षा दे रहे हैं तो आप हमसे पैसे ले रहे हैं। ये इससे, इस पे आपकी क्या राय है और इस पे क्या समाज को उभरना चाहिए, या इस विषय पे क्या आप रखना चाहेंगे, इस विषय पे आपका क्या मानना है आदरणीय नवीन जी? देखिए शिवम जी, इस पे ना इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक पहलू अगर हम देखें कि अगर हम सपोज, अगर मैं अपने आप को कंसीडर करता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं किसी यूनिवर्सिटी से अभी जस्ट पास आउट हुआ और आया, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, ना तो शहर की नॉलेज होती है, ना तो प्रोफेशनल बात अगर करें ना तो प्रोफेशन की नॉलेज होती है। हाँ, एकेडमिक बैकग्राउंड मेरा बहुत अच्छा है, मैं कॉलेज का टॉपर भी हो सकता हूँ या एक एवरेज स्टूडेंट भी हो सकता हूँ, ये दोनों चीजें हो सकती है। जैसे मैं शहर में आता हूँ तो यहाँ पे ये चीजें होती है कि अगर हम एक योगी हैं, कुछ लोग हैं कि योगा एज अ बिजनेस आया है, और बिजनेस बहुत बुरी चीज नहीं है, और मैं इस चीज को अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें बुरी चीजें नहीं है, लेकिन अगर आप इसी योग को, योगा इन ट्रू फॉर्म को देखें तो उन चीजों को आपको नहीं समझते हैं। आप कल के डेट में आप योगा स्टूडियो तो खोल लिए, कल आप जाके पब में पार्टी कर रहे होते हैं, और आप फिर अगले दिन, क्योंकि आपके पास टेक्निकल स्किल है, इसमें जो माफियाइज्म आने की वजह से हुआ कि इसमें से अगर आप देखें तो जो इंडस्ट्री अगर देखें तो बिल्डर लोग हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे डालना शुरू कर दिए, वैसे बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री है जो कि इसमें आने, जो फार्मा इंडस्ट्री है वो भी अब योगा में आ रही है। क्यों आ रही है, इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन जी, इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये चीज तो आपको भी पता है कि योगा लाइफ है, योग क्या है, आपकी अपनी लाइफ है और सेल्फ की जर्नी है। आप अगर इसको करते हैं तो आप बेटर लाइफ जीते हैं, नॉट ओनली कि आप डिजीजे से दूर रहते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल भी बहुत ही अच्छी होती है और आप एक प्रोग्रेसिव पाथ पे भी जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप इंटर करते हैं एक स्टूडेंट के तौर पर इस इंडस्ट्री को, आपको पता नहीं होता, वहां से फिर ये खेल शुरू होता है कि नहीं। ऐसे लोग आते हैं जिनको कि अगर योग में अगर बात की जाए, अगर उनसे बोला जाए कि आप इस चीज, कोई आप संगठन देखिए ना, होता क्या है कि आज जैसे योग शिक्षक संघ बना, आप इसके ही पैरेलल देखेंगे कई सारे संगठन आ जाती हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उन्हें डर होता है, ये वही लोग होते हैं। और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है कि सपोज आपने कोई थॉट इनिशिएटिवली, कि आपका कोई थॉट है एक इनिशिएटिवली, ये नहीं कह रहे कि ये योग शिक्षक संघ की बात है, कोई भी, जैसे सपोज आपकी अपनी संगठन होगी, बहुत सारे लोगों की संगठन, आपने अगर कोई भी संगठन का इनिशिएटिव लिया, आपने कोई थॉट्स को रखा सामने और उन चीजों को आप प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन कल के डेट में उसी की कॉपी बनेगी, फिर उसकी कॉपी बनेगी, कॉपी कॉपी कॉपी, और उस क्षेत्र में क्या हो जाता है कि आपकी जो थॉट्स होती है वो वहीं पे रुक जाती है और आप अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं सही ढंग से, और जहां तक पहुंचनी चाहिए वो पहुंच नहीं पाते, क्योंकि एकता जब तक नहीं होगी वो कहीं पहुंचेगी नहीं, और इसी का शिकार होते। जी जी बिल्कुल, एक मिनट में फिनिश कर रहा हूँ। उसी का शिकार बनते हैं वैसे स्टूडेंट्स जो आते हैं, और क्योंकि हमारी यूनिटी बहुत ही कमजोर होती है, उनको पता नहीं होता है, और इसका फायदा उठाते हैं वैसे लोग जिनका कि योग से कोई लेना देना नहीं होता। अगर वो योग से हैं, आप एक, अगर आप आपने बिजनेस के तौर पे योगा को एस्टेब्लिश किया है, योगा आज के डेट में बिजनेस भी कर रहा है और बहुत बड़ा बिलियन का टर्नओवर है योगा का, आप टैक्स भी पे करते हो, तो वो अगर कोई स्टूडियो खोला है, मैं उसमें आप एक अमाउंट रख सकते हो लिटिल कि हाँ आप इस तरह से, या एक सैलरी बेस पे उन्हें रख लो, ये बेटर है। लेकिन कोई आते, मैं मुझे बहुत सारे ऐसे टीचर्स मिले कि हाँ सर मैं आया, मेरे 60% चले गए। आप एक शिक्षक, आप अगर देखो आप NCR में हो, कितनी ऐसी क्लासेस होंगी जो कि 15+ जाती होंगी, मैक्सिमम जो एवरेज होती है 5 to 8, 8 to 10, यही एक रेशियो है, एक जनरल एक एग्जांपल आपके तौर पे देखा जाए तो, जो जो फील हुआ, ये ऐसा नहीं कि मैं बिना आधार पे बोल रहा हूँ, ये सारा डेटा आकलन के योग शिक्षक संघ जब हुआ तो इसका पूरा आकलन हम लोगों ने 3 साल में पूरी आकलन की है, इन चीजों पे किन किन चीजों पे काम करना वो भी हमने देखा। यहाँ पे चीजें आ जाती हैं वो, और उसके बाद वो क्या है अपना कैलकुलेशन, तो यहाँ पे जो करते हैं वो गलत है, और इसलिए वो कर पाते हैं क्योंकि उन पे कोई बंधन बंदिश नहीं है, यूनियन नहीं है। आप अगर एडवोकेट
एसोसिएशन को देखें, उनका अपना एक बार एसोसिएशन होता है, आप अगर डॉक्टर्स के पास जाएं उनका अपना एक मेडिकल एसोसिएशन है, तो वो उस पर कार्रवाई करता है, लेकिन योग में आप कुछ भी करें आप पे कोई कार्रवाई नहीं है, यही एक नहीं रीजन जरूर, है। मैं इसी प्रश्न को मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जब जब भी हम बात करते हैं योगा की यूनिटी की, जब भी योगा इज ऑल अबाउट यूनिटी, जैसी परिभाषा है बिल्कुल उस हिसाब से सिर्फ एकता है, लेकिन वास्तव में ऐसी कोई एकता हमें दिखती नहीं है। ऐसी योग एकता देखने के लिए हमें आखिर किन मूलभूत तत्वों को अपने अंदर लाना होगा, क्योंकि जैसे ही आप किसी संस्था को करते हैं तो आपके साथ वाले लोग ही इंस्टेंटली अगली संस्था बनाने की कोशिश करते हैं, या उनके पीछे जो लोग हैं वो एक नई संस्था बनाने की कोशिश करते हैं। तो आखिर ये यूनिटी किस प्रकार से आए भाई, जो डेफिनेशन पढ़ाई गई हमें शास्त्रों में, जो हमें पढ़ाया गया अपने विद्यालयों में, उसको हम किस प्रकार से यूटिलाइज कर सकते, इसके लिए क्या मानना है आचार्य श्री? मैं आपकी तरफ आऊंगा, आप बताएं कि यदि हमें वापस से यूनाइट होना है, अगर हमें एक बार फिर से वो परिभाषा को अपने जीवन में चरितार्थ करना है, तो ऐसे परिवेशों के लिए हमें क्या वो मूलभूत तत्व लाने होंगे, अपने अंदर आमूलचूल परिवर्तन लाने होंगे, या यदि मैं एक शिक्षक हूं या एक योग का छात्र हूं तो मैं ऐसे कौन से परिवर्तन अपने अंदर लाऊं ताकि मैं खुद भी यूनाइट हो सकूं, सेल्फ से तो यूनाइट हुई हूं और साथ में जो अगली अगली जो संस्थाएं हैं जो मेरे वेलबींग के लिए, जो ओवरऑल वेलबींग के लिए काम कर रही है, ऐसी किसी भी संस्था से यूनाइट हूं और साथ में आगे बढ़ूं। आचार्य श्री हरिओम शिवम। ऐसा है कि देखिए, ये प्रश्न व्यक्तिगत हो जाता है फिर उन लोगों के लिए जो चुनाव करते हैं कि मुझे किसी संघ से जुड़ना है या नहीं जुड़ना है, पहली बात। और संघ और संघ से संबंधित जो है विसंगतियां, ये एक सनातन प्रश्न है, वो कैसे सदियों से चला आ रहे हैं। भाई राम जी की सेना बनी तो अब सेना में कौन कौन शामिल होगा, तो एक तो वहां पर यह सिस्टम है कि आप सेलेक्ट किए जाते हैं, दूसरा ये होगा कि एक ओपन ऑफर है आपके पास ज्वाइन होने का, तो हमारे पास पहला वाला नहीं है, दूसरा वाला ही ऑप्शन है कि आप विलिंग हैं, आपको लग रहा है कि योग शिक्षक संघ आपके भले के लिए सोचती है, आपके हित में काम कर रही है, तो आपका स्वागत है। आपको लगता है आप जाना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप जाएं। आप संस्था बनाना चाहते हैं, बेशक बनाएं, एक नहीं हजार बना लें। इससे हमारी मौलिक विचारधारा पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, संघ की मौलिकता पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, उसकी विचारधारा पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कैसे और क्यों, उसका कारण है, सपोज आज हम यहाँ तीन लोग डिस्कस कर रहे हैं बैठ करके, और कल सपोज मुझे कोई आवश्यक काम हो या मुझे लगता है कि संघ शायद उस दिशा में नहीं जा रही है जिस दिशा में जाना चाहिए, तो मेरे पास दो विकल्प, या तो मैं वो दिशा देने का प्रयास करूंगा, है ना, और वो प्रयास के क्रम में यदि संघ हमारी बात मानता है और संघ को ये लगता है कि हाँ सही है ये मानना, तो ठीक है। लेकिन यदि संघ को लगता है पूरे संघ के 90%, 80%, 70% लोगों को, या अधिकतम लोगों को 50 से अधिक% लोगों को ये लगता है कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वो उचित नहीं है संघ के लिए, तो फिर मुझे संघ की बात माननी होगी, एक तो ये बात है। और दूसरी, उसके बाद भी यदि मैं ये मान के चलता हूँ कि मुझे नहीं माननी संघ की बात, तो भाई ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, बहुत क्लियर सी बात है कि मुझे छोड़ करके जाना होगा। और यदि कल को मैं संघ के पैरेलल कोई एक दूसरा संघ खड़ा करता हूँ, इससे योग शिक्षक संघ के आधार पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कारण क्योंकि ये कल भी उसी उद्देश्य के साथ खड़ा हुआ था, आज भी उसी उद्देश्य पर चल रहा है, और समय के साथ उद्देश्य और बड़े ही होंगे, छोटे तो नहीं होंगे, और बड़े ही होंगे, और नए आयाम जुड़ेंगे, विकसित होने का योग शिक्षकों को एक बढ़िया मौका मिलेगा, आगे बढ़ने का एक बढ़िया जरिया है, ये एक माध्यम है, और एक माध्यम के तौर पर ही यह संघ काम कर रहा है। रही बात विसंगतियों की या एकता की, तो एकता तो व्यक्तिगत हो जाती है उस पॉइंट पर आकर के, जहां पर लोगों के पास ये डिसीजन है कि वो स्वयं चुने कि वो संघ का हिस्सा बनना चाहते हैं कि नहीं, संघ उनके पास जाके अपील नहीं कर रही है दरवाजा खटखटा करके, है ना, तो ये पूरी तरह से व्यक्तिगत है। और विचार क्या है, स्थिर नहीं होते, ये बदलते रहते हैं समय के साथ और परिस्थितियों के हिसाब से। तो कई लोग ऐसे होंगे जो स्वार्थपरता के उस भाव को लेकर के आपसे जुड़ेंगे, और कहीं ना कहीं उनका हित सधता हुआ जब नहीं देखेगा आपके संघ में, हमारे संघ में, तो वो चले जाएंगे, ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि भाई वो स्वार्थ सिद्धि नहीं पूरी हो रही है। आप स्वार्थ केवल इसका नहीं है कि वो आर्थिक पक्ष देख रहे हैं, स्वार्थ इसका भी हो सकता है कि उनको वो मान सम्मान नहीं मिल रहा। अरे यहाँ सभी बराबर हैं, यहाँ मान सम्मान जैसे और ऐसा ऊपर नीचे जैसे कोई बात नहीं है, ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो है नहीं,
अब यहाँ पर जैसे नवीन जी हमारे प्रेसिडेंट हैं, शिवम आप स्वयं हमारे जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, अभिषेक जी ट्रेजरर हैं और भी तमाम जितने अधिकारीगण आप जुड़े हुए हैं इसमें, तो ये तो एक वो पद है जो कहीं ना कहीं आप एक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। ये इसके लिए तो है नहीं कि कोई बहुत बड़ी या 0 रुपए की भी कोई सैलरी आपको मिल रही है या कोई हिस्सा दे रहा है योग शिक्षण, इस तरह की तो कोई बात है नहीं। फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर ये काम तो हो नहीं रहे हैं, सच ये है। लेकिन यदि किसी को लगता है कि नहीं नहीं संघ में मैं आया हूँ और चूंकि मैं बहुत काबिल हूँ और चूंकि मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ या फिर मैं PhD होल्डर हूँ और तमाम चीजें हैं, मुझे नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर लोग जानते हैं और मुझे वो जगह नहीं मिल रही, तो फिर ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एकदम अकाट स्वार्थपरता है उनके अंदर, है ना। मैं मुझे एक एक कोई आया तो संघ शायद स्वीकार नहीं करेगा उस चीज को। आचार्य श्री मैं आपको थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूँ, मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है। ये बात लगभग 1940 के आसपास की है, 1939 के आसपास की, जब महात्मा गांधी जी थे और INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जा रहे थे और सुभाष चंद्र बोस जी को हटाया जा रहा था, तो उन्होंने एक बात कही थी कि वास्तव में कोई संघ तभी आगे बढ़ता है जब आप अपनी अहमशीलता से अपने अहंकार से आगे बढ़ते हैं, और पट्टाभी सीतारमैया को फिर वहां पे चुना गया था। ये वास्तव में योग के साथ, ना केवल योग के साथ, अभी तो आप जितने भी संघ देख लीजिए, जितने भी फेडरेशन देख लीजिए, सब में अहंकारशीलता हमें मिलती है और सब में, इन सब में एक जो चीज सबसे गुड़ी है वो हमें सिर्फ ये बताती है कि भाई हम तो योग के, हमारा तो काम ही मन बुद्धि चित्त अहंकार ही हमारा विषय है और विषय से विषयांतर होना हमारे तो परिविधा में ही नहीं है। तो ऐसे पूरे पूरे विवेचन में यदि हम बात करें तो हमें ये बात समझ में जरूर आती है कि हमें अपनी चीजों को लेके आगे बढ़ना है। बहरहाल मैं वापस चलता हूँ नवीन जी के पास में। नवीन जी एक और बड़ा प्रश्न जो आज के योग छात्र बहुत हद तक परेशान हो रहे हैं कि वो क्या करें, जैसे आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में 7 दिन का कोर्स, 15 दिन का कोर्स या 12 दिन का कोर्स, ऐसे 30 दिन का कोर्स, 1 महीने का कोर्स करा करा के और योग गुरु आगे लिखना शुरू हो जाता है, तो ऐसे में आखिर इस चीज से संस्था कैसे उभरे। और ये सवाल मेरा व्यक्तिगत उस तमाम जनता के लिए है जो योग का पूरा जो योग शिक्षण लेती है, योग के तमाम परिविधाओं को अपने स्वास्थ्य मूलक तत्वों के लिए लेती है, सीखती है, समझती है और अपने को फिट रखना चाहती है, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं कर पाती कि ये योग का जो गुरु है मेरा ये 7 दिन की कैंप वाला है या पूरी PhD और डिलीट की डिग्री धारित किए हुए है। तो ऐसी चीजों से यदि हमें उबरना हो तो इसके लिए क्या YSS क्या सोचता है, एज अ प्रेसिडेंट आप क्या सोचते हैं, और फिर मैं चलूंगा आचार्य श्री के पास। आदरणीय नवीन जी। जी बिल्कुल बिल्कुल नवीन जी, इसका उत्तर दें उसके पहले मैं एक पॉइंट है जो अभी आपने शिवम जी ने कहा कि और संस्थाएं या तमाम जितने भी संगठन होते हैं तो उसमें इस तरह की बात आती है, सिर्फ उनमें और योग में सिर्फ एक अंतर है कि यदि और संस्थाओं में ये हम आए तो चलता है, समझ में आती है बात के, चलो कॉमन है, किंतु यदि ये योग के संगठनों में या योग के संकाय में, फैकल्टी में या पूरे समुदाय में आता है तो ये दुखद है, नहीं होना चाहिए। नवीन जी अपने प्रश्न का उत्तर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आचार्य श्री ने। और देखिए एक्चुअली होता क्या है शिवम जी, जो अभी तक का हम लोगों ने जो समझा, मैंने लास्ट में भी जैसे बताया था आपको कि अभी तक इस यूनियन का कोई व्यवस्था नहीं है। अगर मुझे आपके आपने अगर कोई गलत किया, योग में आप कोई गलत कर रहे हैं, कोई गलत कार्य कर रहे हैं, आपकी संगठन कोई गलत कार्य कर रहे हैं, उस पर कोई मॉनिटरिंग यूनिट नहीं है। इवन अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट भी इस पर कुछ नहीं सोच रही है, हालांकि ये सोच नहीं सकती ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग अवेलेबल हैं, लेकिन वो सोच नहीं रहे हैं इस विषय को। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि जब हम एक संगठन बना रहे हैं या संगठन बनाते हैं तो उसके एक मौलिक सिद्धांत होते हैं, हमें उन सिद्धांतों पे अडिग रहना चाहिए। जैसे अगर आज की डेट में मैं बात करूं, योग शिक्षक संघ की ही बात करता हूं, तो मैं यहां पे प्रेसिडेंट नहीं था, मैं अपनी कैपेबिलिटी दिखाई या चीजें मैंने कार्य किया तब यहां पे पहुंचा। आपने आप ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं थे यहां, लेकिन आपने अपनी कैपेबिलिटी दिखाई तो आप आए। तो ये जब कैपेबिलिटी शो होती है तभी चीजें बाहर निकल के आती, लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। वैसे लेकिन योग टेरिटरी में क्या हो रहा है कि मैं एक टीचर हूं, मैंने 7 दिन का एक कैंप कोर्स किया, क्योंकि ऑडियंस हमारी क्या है, वो सिर्फ योग समझती है कि योग के जो सिखाएंगे हमें वो योगाचार्य हैं, उन्हें ये मतलब नहीं होता कि हाँ हमें डिग्री डिग्री है उनके पास या नहीं। ये व्यवस्था एक संगठन के तौर पे हमें करनी चाहिए और इसके लिए हम लोग योग शिक्षक संघ एक लीगल डिपार्टमेंट अपॉइंट किया है कि जैसे बार एसोसिएशन होता है, मेडिकल एसोसिएशन होता है, पुलिस एसोसिएशन होती है, वैसे ही एक योग एसोसिएशन है और इसकी एक यूनियन टेरिटरी होगी जिसपे कि हम लीगल एक्शन लेंगे
और ये हमारी बात चल रही है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स हैं जो कि अपने योग शिक्षक संघ के एज अ मेंबर जुड़े हैं वो, और वो स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़े, तो उन्होंने बोला नहीं ऐसी होनी चाहिए। कल के डेट में क्या होता है कि किसी को बैक पेन ही है, हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक बैक पेन है वो किसी टीचर्स को हायर करता है, और मैंने एक कोई हमारे टीचर्स हैं जिन्होंने अपना स्टूडियो खोल रखा है, वहां से वो टीचर्स उनके घर पे जाते हैं, उन्हें चीजें नहीं पता, रिपोर्ट पढ़ना तक नहीं आता, या जो चीजें आपको एनाटॉमी पता नहीं होती कि क्या है एनाटॉमी, वो भी पता नहीं है उन्हें, और वो जाके उसका डिजीज, आपने आसन तो समझ लिए कि आप बुक्स पढ़ लेते हैं, यूट्यूब वीडियो देख लेते हैं, आसन 7 दिन का कोर्स भी कर लेते हैं, आपको थोड़ी नॉलेज तो हो जाती है, ऐसा नहीं कि आपको नॉलेज नहीं है, नॉलेज उस बेस पे आप जाके कराते हैं, वो डिजीज और गंभीर हो जाती है, फिर वो किसी और में रूपांतरित हो जाती है। ऐसे बेसिस में क्या होता है कि न तो वो संगठन संज्ञान लेती है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर टीचर चेंज, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं होता। ऐसे चीजों पे एक होना चाहिए, इससे क्या होगी, सबसे पहली चीज क्या होगी सो मैं बताता हूँ कि अगर हम एक्शन पॉइंट पे आते हैं तो हम गलतियां से थोड़ी दूरी बना लेते हैं, कि हम जितनी गलती करेंगे या योग यूनियन अगर कोई गलती कर रहा है हम उससे दूरी बना लेते हैं, कि हाँ जब भी हम डिलीवर करेंगे, कोई एक योगा टीचर अगर कोई भी अपनी सर्विस डिलीवर करेगा तो वो उसकी बेस्ट क्वालिटी होगी और उसके पैरामीटर्स पे होंगे, क्योंकि अगर अगर नहीं कर पा रहा है तो उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, और ट्रेनिंग इसलिए आज के डेट में लोग ट्रेनिंग इसलिए नहीं ले पाते हैं कि उसकी फी ही इतनी हाई है, और सबसे बड़ी विडंबना मैं आपको बताता हूँ योग ट्रेनिंग की, कि प्रोफेसर आप एकेडमिक से आते हैं, बहुत 3 साल हम पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे जहन में रहती है, कुछ चीजें हम नहीं रख पाते हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग यही इसीलिए कराई जाती है कि आपको जहन में रहे, वो चीजें आपको रिकॉल कराई जाती है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग का सिर्फ ये उद्देश्य है। और आज योग इंडिया का है, लेकिन हम डिग्री बाहर के कंट्री से आए हुए कुछ संस्थाएं जो हमें सर्टिफाइड करती है, और उनका सिर्फ होता है मोटो होता है मॉनेटरी वैल्यू, आप उनको मॉनेटरी दीजिए, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, और उस बेसिस पे आपको तो सिर्फ 4 आसन तो मैं भी करा लूं, लेकिन क्या मैं योगाचार्य हो गया? नहीं हो सकता ना। योगाचार्य आप कब लिख सकते हैं, इसकी भी कोई परिभाषा अभी तक योग, क्योंकि इस पे कोई संज्ञान नहीं है। आज 1 मंथ का कोई कोर्स करके आएगा, वो भी क्या है, मैं योगी हूँ, मैं योगाचार्य हूँ, और वो आचार्य श्री लिखते हैं, विडंबना है ये। और जो PhD करके आया, जो MSc करके आया, उनका क्या, वो आप, मैंने बहुत सारे ऐसे योगियों को देखा, वो लिखते भी नहीं है, वो जैसे योग गुरु या ऐसा कुछ नहीं लिखते, या लिखते तो उनकी, अगर वो लिख भी रहे हैं तो उनका ऑथेंटिकेट है कि वो ऑथेंटिक। अगर आप डॉक्टर ऐसे नहीं लिख सकते, अगर आप डॉक्टर ऐसे जब तक आप MBBS कोर्स नहीं कर रहे किए हुए आप नहीं लिख सकते, आप जब तक PhD नहीं कर सकते आप में डॉक्टरेट नहीं लग सकता। लेकिन योग में क्या है, आप 1 मंथ का कोर्स कीजिए, 15 डे का सर्टिफिकेट को से योगाचार्य लिखना शुरू कर दिया, लेकिन उस पर कोई ऑथेंटिक। ये विडंबना नेचुरोपैथी में बहुत ज्यादा है, नेचुरोपैथी के लोगों से भी मेरा ये मानना है, मैंने खुद भी व्यक्तिगत तौर पर देखा है कि तमाम नेचुरोपैथ जो है उनके नाम के आगे डॉक्टर लिखना अनिवार्य, क्योंकि उन्होंने उनके कोर्स का नाम ही NDDY, डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी एंड डॉक्टर ऑफ योगा। ये न जाने किस प्रकार का कोर्स है, मुझे तो UGC से भी अगर ये प्रश्न पूछने का मौका मिले तो मैं जरूर उनसे ये प्रश्न पूछूं कि आपने ये NDDY जैसे जो कोर्स है इसमें डॉक्टर लिखने की योग्यता कब से आपने प्रदान कर दी। बहरहाल आइए, क्वेश्चन है इस पे, एक चीज और, एक क्वेश्चन है, और ये मुहिम हम लोगों ने स्टार्ट की है, हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक मुहिम स्टार्ट की थी, योगा ऑन गवर्नमेंट मौन, ये हमारा मूवमेंट था, हम उस मूवमेंट पे काम कर रहे हैं। और जैसे लोग बोलते हैं, कुछ लोग का मैंने सुना भी था, लोग बोल रहे हैं कि नहीं आप मेरे साथ, बहुत सारे संगठन ऐसे आए, आप मेरी इस मंत्री तक जान पहचान है, आप यहाँ चलिए मैं उनसे मिला दूंगा, वहां पे चलिए मैं ये काम के लिए अप्रोच करूंगा, ये कोई बे नहीं है, ये आपकी पहुंच है, एक संगठन की पहुंच नहीं है। संगठन एक व्यक्तिगत के तौर पर नहीं चलती, संगठन एक प्रोसेस से चलती है, गवर्नमेंट में जो भी है, हो सकता है ये गवर्नमेंट अच्छी काम नहीं कर रही हो, या प्रीवियस गवर्नमेंट अच्छी काम कर रही थी, या वो भी बुरी कर रही थी, उससे मतलब नहीं होता है। आपका प्रोसेस को, आपको सिस्टम को मजबूत करना होता है, आप किसी गवर्नमेंट पे या किसी भी एक व्यक्ति पे नहीं कर सकते। ऐसे कई सारे संघ, योगा का योग जो योगा टेरिटरी का दुरुपयोग क्यों हो रहा है, आज आयुर्वेद के संगठन आते हैं वो अपनी फंडिंग लेकर चले जाते हैं योग की, नेचुरोपैथ की संगठन आती है योग की फंडिंग लेकर चली जाती है, योग वाले बस अरे सर आप मेरा, लेकिन अगर आपको उनके खिलाफ अगर आवाज उठानी हो तो वैसे बैकआउट कर जाएंगे, लेकिन जब अपनी संगठन एक नए, मैं संगठन बनाऊं क्योंकि मुझे मालिक बनना है यहाँ पे, लेकिन योग शिक्षक संघ ने ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान कर दी कि यू आर द ओनर, आप इस संगठन में अगर अच्छा काम कर रहे हैं, कल के डेट में नवीन यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं प्रेसिडेंट नहीं, कल अगर आप अच्छा काम करेंगे आप प्रेसिडेंट हैं आपके। तो ये चीज एक टेरिटरी में लानी बहुत जरूरी है कि आपके वर्क पे एनालिसिस किया जाए और आपके वर्क परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही चीजें दी जाए, और आपके एकेडमिक कैलकुलेशन के आधार पे ही आपको किसी भी डिग्री या कोई भी जो प्रीफिक्स आप लगाते हैं उसकी निर्धारण हो। तो ये बहुत जरूरी है, इस पे हम लोग लीगल एक्शन पे काम कर रहे हैं, और बहुत जल्द ये आपको, क्योंकि
एक टीम है, ये हमारी अपनी तो कुछ है नहीं कि हाँ हम अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये फीडबैक के अकॉर्डिंग और भी फीडबैक्स हम अभी मार्केट्स में ले रहे हैं कि जितने भी योगा स्टूडियो हमसे जुड़े हुए हैं वो क्या और सोच रहे हैं इस पे क्या बेहतरी। बहुत सारे संगठन है जिन्होंने बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक दिया है और इसी बेस पे ये संगठन काम कर रही है और इस पे आगे भी हम बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं और आगे इसका प्रारूप आपको दिखेगा। जरूर, वैसे तो प्रश्नों की श्रृंखला हमारे पास बहुत सारी है और बहुत सारे प्रश्न मैं देख रहा हूँ इस समय हमें मिल भी रहे हैं व्यक्तिगत मैसेजेस के माध्यम से। लेकिन ये जो हमारा ये मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो योग मंथन का कार्यक्रम है ये आज शुरू हुआ है और ये हर रविवार के दिन 11:30 से लेके 1:30-2 बजे के बीच तक आपके बीच जरूर जाएगा। यदि आप भी इस मंथन कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, या आप हमारे YSS के फेसबुक पेज से भी जाके हमें डायरेक्ट पिंग कर सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आइए, एक और जो मैं अंतिम प्रश्न के तौर पर आज लेना चाहता हूँ आचार्य श्री, मैं आपके तरफ एक बार अपने आपको अपने रुख को मोड़ूंगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तमाम विश्वविद्यालय जो है वो अलग अलग प्रकार के कोर्सेज चलाते हैं। बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने सर्टिफिकेट प्रोग्राम चला रखा है, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, मास्टर्स, MBBS, MG, जो भी। मैं स्तब्ध रह गया उस दिन एक कोर्स देख के जिस दिन एक विशेष विश्वविद्यालय, नाम तो मैं नहीं ले सकता चूंकि ये व्यक्तिगत मंच है, तो उसने MD जैसे कोर्सेज को लॉन्च किया है। MD मतलब आप सपोज कीजिए, और उसके लिए योग्यता क्या है कि आपको किसी ना किसी मेडिकल फील्ड में ग्रेजुएट होना होगा। अब मेडिकल फील्ड का बंदा मान सपोज कीजिए किसी ने MBBS किया है, वो MD मतलब योगा को आप एक फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट से हटा के फुल टू साइंटिफिक एस्पेक्ट में पुट ऑन करना चाहते हैं, मतलब आप MD जैसी डिग्री देने की कोशिश कर रहे हैं। MD का मतलब एक ऐसा, सपोज कीजिए कोई एक ऑन्थोलॉजिस्ट है या फिर एक कोई कैंसर स्पेशलिस्ट है या इस प्रकार के कोई भी है, वो MD करते हैं। योग में MD जैसी डिग्री देना, मेरी एक दिन एक वार्ता चल रही थी, एक विशेष योग गुरु है, बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति है, तो उन्होंने भी बताया कि मैं तो नेट के खिलाफ हूँ, योगा के नेट के। तो इन सारे जो प्रारूपों को यदि एक बार एक्युमुलेट किया जाए तो इसमें आपकी विचारणा क्या है आचार्य श्री, शिक्षा के परिवेश में योग को किस प्रकार से रखना चाहिए, किस प्रकार से हमें देखना चाहिए, और छात्रों को जो एक सर्टिफिकेट कोर्स करके आते हैं फिर उनको ये नहीं पता, सर्टिफिकेट के बाद वो डिप्लोमा करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, फिर मास्टर्स करते हैं, फिर PhD करते हैं और वापस योगा टीचर ही बन जाते हैं आके, है ना। तो वो उन्होंने 8 साल दिया अपना, उस 8 साल का और जो एक बंदा सर्टिफिकेट करके आता है उनमें क्या अंतर रह गया, ऐसे ऐसे प्रश्नों से मैं आपके तरफ अपने पूरे ध्यान को आकर्षित करना चाहूंगा। आचार्य श्री आप प्लीज इस पे कुछ बताएं और हमारे तमाम जनता जो तमाम दर्शक जो हमें देख रहे हैं वो इस बात को समझे कि वास्तव में योग में शिक्षा किस विधा से होनी चाहिए, क्या उसका पैटर्न होना चाहिए, पैटर्नाइज्ड वे क्या होना चाहिए शिक्षा का। आचार्य श्री एक प्रश्न के बदले आपने एक ही प्रश्न में कई प्रश्न पूछ दिए तो मैं सबका एक एक करके उत्तर दूं। पहला प्रश्न था आपका कि योग में MD, आपने विश्वविद्यालय का नाम नहीं लिया, मैं लेता हूँ नाम, ये इस पे ऐसा है स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान बैंगलोर, ठीक है, और मैं वहां का एलुमनाई भी हूँ, मेरी मास्टर्स की डिग्री MSc मास्टर ऑफ साइंस इन योगिक साइंसेज मैं वहीं से हूँ, इस पेशा से हूँ, और वहां से मैंने डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा भी किया हुआ है, ठीक है। सो थोड़ा सा एक इसके संदर्भ में जो डाउट है उसको थोड़ा क्लियर करते हैं। क्या है कि ये बड़ी अच्छी बात उसमें आपने कही कि उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेडिकल में ग्रेजुएट होना जरूरी है, इधर आप BAMS हैं या BNYS हैं या MBBS हैं या BMD हैं, जो भी हैं, है ना, कुछ ना कुछ आप जो है पहले आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है मेडिकल फील्ड में, उसके बाद जो उसका MD का वहां पे अपना ऐसा का जो कोर्स है उसमें पूरी तरह से इसीलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रखा गया कि आपका डॉक्टर होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप डॉक्टर नहीं है आपको मास्टर ऑफ यू नो आई मीन डॉक्टर ऑफ मेडिसिन नहीं बनाया जाएगा। तो चूंकि हम योग के एकेडमिक पहलुओं पर बात कर रहे हैं और जब हम उसके एकेडमिक पहलुओं पर बात करते हैं और जब हम योग को एज एन इंटरवेंशन देखते हैं फॉर द थेरेपी ऑफ यू नो इलनेस और डिजीजेस, जब हम ये क्लेम करते हैं कि इफ यू प्रैक्टिस सर्टेन आसन एंड यू विल गेट फ्री फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिजीज, जैसे ही आप बोलते हैं कि आप ये आसन करें और आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, है ना, आप ये प्राणायाम करें आपकी जो है मेमोरी पावर बढ़ने लगेगी, सो ऑन व्हाट बेसिस वी आर सेइंग इट, ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक रिसर्चेस, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई आप भ्रामरी करेंगे तो आपका ऑसिपिटल लोब का DC न्यूरॉन एक्टिवेट होना शुरू करेगा, तो दैट विल इंड्यूस पॉजिटिव एनर्ज्स, एंड दिस इज द यू नो क्रक्स ऑफ द मैटर, यू हैव फाउंड आउट ऑफ द रिसर्चेस, आउट ऑफ द रिसर्चेस, ये आपने शोध करके इस कंक्लूजन पर
अपने आप को पहुंचा है। ठीक है, तो जब इस तरह से हम बात करते हैं और ये कहते हैं कि योग को ऐसा थेरेपी, एक इंटरवेंशन के तौर पर, एक माध्यम के तौर पर रिहैबिलिटेशन के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, तो ऐसे में फिर एमडी यानी कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन के तौर पर एक कोर्स रखना योग का बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट बुरी बात तो नहीं हो सकती है। रीजन ये है क्योंकि आप योग को एज एन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन यूज कर रहे हैं कि आप कोई कंजम्पशन मत करिए, आप कोई इस तरह का दवाई मत खाइए जो केमिकल युक्त हो और आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए, बल्कि आप आसन प्राणायाम, योग, ध्यान, जप, मंत्र विद्या इत्यादि के प्रयोग से शरीर को जो है स्वस्थ रखिए और व्याधियों से मुक्त होइए। तो यहाँ पर आप एज एन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन यूज कर रहे हैं योग को, तो ऐसे में यदि डॉक्टर्स के लिए जो स्पेशलाइज्ड हैं ऑलरेडी मेडिकल साइंस में, उनके लिए रिहैबिलिटेशन के उस प्रोसेस को और बढ़िया बनाया जाता है, तो ये अच्छी बात है। पहली बात तो आप आते हैं दूसरे प्रश्न पर कि नेट जैसे चीजों की उपयोगिता नहीं है। नहीं नहीं, आप फिर गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। कैसे? क्योंकि एक चीज पहले आपको मैं नोटिस करा दूं, जितने भी अभी पोर्टल पर जुड़े हुए लोग और इसको देख रहे हैं, समझिए कोर्सेज दो तरह के होते हैं एकेडमिक्स में। एक होता है प्रॉपर एकेडमिक कोर्स, दूसरा होता है वोकेशनल कोर्स। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि योग एक वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स नहीं है, ये प्रॉपर एकेडमिक कोर्स है। और चूंकि ये प्रॉपर एकेडमिक कोर्स है, इसके माध्यम से कोई यदि योग में ग्रेजुएट है तो वो भी यूपीएससी के एग्जाम में बैठ सकता है। लेकिन यदि कोई किसी ने बीएससी आईटी किया हुआ है, वो नहीं बैठ सकता यूपीएससी के एग्जाम में बीएससी आईटी की डिग्री के बेसिस पे, क्योंकि वो वोकेशनल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है, उसको एकेडमिक में नहीं कंसीडर किया जाता है। तो आप इंजीनियर हो के भी नहीं बैठ सकते यूपीएससी के लिए। लेकिन यदि कोई योगी जिसने बीएससी योगा कर किया हुआ है, किसी भी यूनिवर्सिटी से वेल सर्टिफाइड है, अच्छे से ट्रेंड होकर के और सर्टिफिकेट प्राप्त करके आया हुआ कैंडिडेट है, तो वो यूपीएससी की ट्रेनिंग के लिए बैठ सकता है। इसका मतलब ये फुली एकेडमिक कोर्स है, आप समझें इसको। और जब चूंकि ये फुली एकेडमिक कोर्स है, ऐसे में नेट का होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब आप ये कह रहे हैं कि एक डेजिग्नेशन होता है आचार्य का, यानी कि प्रोफेसर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, है ना, एसोसिएट प्रोफेसर का, तो जब आप किसी को असिस्टेंट प्रोफेसर बना रहे हैं तो उसकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो होनी चाहिए। क्योंकि जब तक नेट नहीं था, सन 2017 के पहले तक, सन 2017 के दिसंबर में ये पहला एग्जाम हुआ था ऐसा, तो उसके पहले जब नेट नहीं था, तो नॉर्मल एमएससी यानी कि मास्टर्स कर किए हुए कैंडिडेट को इंटरव्यू और एग्जाम के जरिए फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जाता था। चूंकि अब चूंकि हो गया है नेट का एग्जाम, तो ये पहले ही फिल्ट्रेशन हो गया, तो ये बहुत अच्छी बात है उस तरीके से देखा जाए तो। दो बातें हैं, या तो आप एकेडमी इस पूरे बैकग्राउंड को कंसिडर ही नहीं करें, है ना, कि आप योग की उस पद्धति पर फिर विश्वास करें जो हिमालय की तराइयों से आप सीख करके आते हैं और जन जन के प्रसारक सेवा के मौलिक अवधारणा को लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में या पूरे समाज में आप घूमते हैं और प्रसारित प्रचारित करते हैं। तो एक तो वो अवधारणा हो गई, इसकी एक वो धरातल हो गई जिस पर आप काम करेंगे। दूसरा ये कि यदि जब आप एकेडमिक कंसिडरेशन में आते हैं, देन यू वुड हैव टू कंसिडर ईच एंड एवरी फैक्ट and you would have to become, you know, eligible for every certain thing in a proper specific way. आप उसको neglect नहीं कर सकते कि फिर नेट नहीं होना चाहिए, फिर MD नहीं होना चाहिए। नहीं, जब आप academic consideration में आए हैं और इसमें entry ले ली है आपने, तो फिर आपको ये सब कुछ consider करना पड़ेगा। एक तो ये है, या तो फिर वही आप सिद्ध परंपरा गुरुओं से जो है ज्ञान प्राप्त करें और फिर देहाटन और विक्षाटन करें और पूरी तरह से आप ब्रह्मचारी वाला, योगी वाला रूप में रहें और पूरे जो है विश्व का भ्रमण करें और योग का प्रचार प्रसार करें, ये बात हो जाती है। अब रही बात आपके तीसरे प्रश्न पर, जो आपका प्रश्न था उसी प्रश्न में कि जो डिप्लोमा करके या 15 दिन का सर्टिफिकेट करके, 1 सप्ताह का सर्टिफिकेट करके, महीने भर से करके आया हुआ है, और जो लोग एमएससी पीएचडी करके आए हुए हैं, ग्रेजुएट होकर के आए हुए हैं, तो एक बात आप समझें, क्योंकि यदि हम भारत की भी बात करें तो 1.25 अरब नहीं बल्कि इसको 1.5 अरब की आबादी वाला देश कह लीजिए, इतना विशाल है कि हमारे यहाँ की एक सोसाइटी एक कंट्री के बराबर की जनसंख्या पोटेंशियल होल्ड करती है। नॉर्मली किसी भी एक सोसाइटी को आप उठा लें तो उसमें लगभग 100 गांवों के बराबर की आबादी है। आप नोएडा को ही ले लें फॉर एग्जाम्पल, तो जितने सेक्टर ऐसे मिला के 10 देश इसमें से निकल आएंगे।
तो अब चूंकि आपको इसको समझना होगा, ये विद्रूपता नहीं है, ये विशेषता है, ये विसंगति नहीं है, ये विशेषता है हमारे संस्कृति और समाज की। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि चूंकि ये इतना विशाल है तो सबका अपना एक सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। आप समझे, हम उस पहलू पर हैं जहां हम सिखाने का काम कर रहे हैं, हम शिक्षक वाले फ्रेटर्निटी में आते हैं, उस वाले कैटेगरी में आते हैं। दूसरा है वो जो शिष्य वाले कैटेगरी में बैठा हुआ है आपके सामने सीखने वाला, जिसकी संख्या आपके टेरिटरी की संख्या से बहुत अधिक है। तो आप स्टूडेंट सिलेक्ट करें, ऐसा विकल्प आपके पास तो है नहीं, आपके पास इसमें बहुत सीमित विकल्प है भी तो बहुत सीमित विकल्प है। वो ये कि आपके पास यदि 10 कॉल आने हैं तो बात के बेसिस पर, कॉल के बेसिस पर ये डिसाइड कर सकते हैं कि अच्छा मुझे इस साधक के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या इस साधक को अपने केंद्र में आने देना चाहिए या नहीं आने देना चाहिए। यही है आपके पास विकल्प, इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। किंतु उसके पास विकल्प है, उसके पास क्या विकल्प है और उसके विकल्प का अर्हता समझे, उसकी एलिजिबिलिटी समझे कि वो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है उसका। अब मैं बहुत, ये थोड़ा फनी भी लग सकता है लेकिन ये ट्रू है, ऑनेस्ट चीज है, अब इसको समझें। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं अपने जीवन में, आप हूँ, मैं हूँ, या कोई भी हम में से अभी जो जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, ऑनलाइन शॉपिंग तो जरूर करते होंगे या किसी से करवाते होंगे या मॉल में जाते होंगे, दुकान पे भी जाते होंगे, ऑफलाइन भी गए तो। लेकिन ऑनलाइन में करें तो ज्यादा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ये। कैसे, आप जाते हैं Amazon या Flipkart, हम लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं भाई किसी पोर्टल का, मतलब उदाहरण के तौर पर मैं ले रहा हूँ Amazon या Flipkart या किसी भी ऐसे अन्य ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर जाते हैं, ई-कॉमर्स पोर्टल पर आप जाते हैं। अब यदि मैं मेरा एग्जांपल दूँ तो बहुत सिंपल सा है, यदि मुझे सपोज पोर्टल लेना है तो मैं इसमें 2-3 चीजें मार्क कर दूंगा जो कि हमारे लिए फेडरेशन में हमारी हेल्प कर दे कि भाई रेट हमने इसमें लगा दिया कि लोएस्ट प्राइस ऑन टॉप, तो हमें शुरू से शुरू करेगा वो, जो सबसे कम का कुर्ता वो पहले दिखाएगा। दूसरा, हमने कलर लगा दिया, तीसरा साइज का फिल्टर लगा दिया, हमारा काम 5 मिनट के अंदर हो गया। तो अब चूंकि हम अपने बजट, हमारे हमने प्राथमिकता किस चीज को दी, बजट को, तो हमने इसीलिए लोवेस्ट प्राइस टॉप पे रख के क्लिक कर दिया उसको। लेकिन जिसको बजट की चिंता नहीं है वो कभी प्राइस वाला हिट करेगा नहीं, वो कलर वाला और साइज वाला हिट करेगा बटन, उसको प्राइस का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसके पास चीज पसंद आ गई तो वो खरीद लेगा, वो एलिजिबल है। तो यहाँ जो हम मार खाते हैं इस बात को लेकर के कि कोई 1500 या 15 दिन वाला ट्रेनिंग करके आया है या कोई पीएचडी वाला, तो बहुत बट ऑब्वियस सी बात है कि जो 15 दिन की ट्रेनिंग करके, 3000 रुपए की ट्रेनिंग करके आया है कहीं से, और जो व्यक्ति 5 लाख 7 लाख रुपए या 10 लाख रुपए और 5 साल समय गवा के आ चुका है, तो वो कभी भी 300 पर आवर की क्लास या सेशन ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करेगा। या तो वो फ्री करेगा या तो फिर उचित जो उसका मानदेय है वो लेगा तब करेगा, ठीक है, वो 300-500 पर नहीं लटकेगा। अच्छा, यहाँ अब जिसने 300 पर किया और कल तक 1200 पे वो कुछ नहीं कर रहा था, इसी सत्य को समझे इसके, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत हद तक जिम्मेदार है कि वो रोजगार नहीं पैदा कर रही है, और जिन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है उनके लिए योग आज एक खुले मार्केट की तरह है, जैसे अंग्रेजों के लिए भारत था, पुर्तगालियों के लिए भारत था, डचों के लिए भारत था, फ्रांसीसियों के लिए भारत था कि भाई पूछो जाए, वहां चलो मार्केट है, वहां हम काम करेंगे। तो इसी तरह से वो लोग जो कि दूसरी इंडस्ट्री में सक्सेसफुल नहीं है, उनको इस बात की भनक लग गई है कि योग की वो टेरिटरी है जिसको अब फिटनेस इंडस्ट्री की तरह कंसिडर किया जाता है, फिलोसफी और ज्ञान और दर्शन के लिए नहीं किया जाता है। ये ग्रू चीजें हैं, हार्स हैं, समझें, ये कटु सत्य है, इसको एक्सेप्ट करना होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है, किसी भी इंडस्ट्री से क्विट करके, फ्रस्ट्रेट होकर, जंप करके, इन वेरियस वेरियस रीजंस, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट और फॉर मनी, कुछ लोग अवसाद से इतने परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस और एंग्जाइटी से, डिप्रेशन से इतने परेशान हो जाते हैं कि वो छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि योग में ही आके अपना रोजी रोटी भी चलेगा और हम स्वस्थ भी होंगे। कुछ तो इस उद्देश्य से आते हैं, कुछ इस उद्देश्य से आते हैं कि 12th करके घर पर बैठा हुआ हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, चलो MD NIY, मैं नाम लेकर बता रहा हूँ, इसमें कोई हिचकने वाली बात नहीं है, हम कोई क्राइम थोड़ी कर रहे हैं, जो सत्य है वो सत्य है,
सांच को आज किस बात की, तो चलो भाई हर एक एक तारीख को निकलता ही है एडमिशन का फॉर्म। अब जो पहले वो 50 कैंडिडेट थे, अब उनके पास तीन तीन सबॉर्डिनेट सेंटर्स हो गए हैं जिसमें वो 150 से 200 के कैंडिडेट्स एक स्लॉट में मॉर्निंग वाले में लेते हैं और 150 के आसपास के इवनिंग स्लॉट्स में लेते हैं। तो लगभग 300 कैंडिडेट्स एक महीने में ट्रेन हो रहे हैं ऑन एन एवरेज, जो कि अभी लॉकडाउन का सीनारियो हम अलग रखते हैं, बट जो जनरल कॉन्सेप्ट एस्पेक्ट है उस पर हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे में 300 लोगों को आप ट्रेन कर रहे हैं, फीस कितनी है? सिर्फ 1500 रुपए, ठीक है। लेकिन इसमें एक चालाकी है, उस पर हमें गौर करना होगा। चालाकी है कि जो सर्टिफिकेट वहां से इशू होता है उस पर योग शिक्षक नहीं लिखा होता है, उस पर योग साधक लिखा होता है, है ना, कि भाई वो एक महीने के साधना का एक प्रमाण दे रहे हैं कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति यहाँ आया और एक महीने साधना किया है हमारी देखरेख में, इस बात के लिए वो प्रमाणित करते हैं। वो योग शिक्षक का सर्टिफिकेट नहीं देते, तो हम उनको इसका उनके ऊपर इसका दोषारोपण नहीं कर सकते, है ना, इसका दोष उनके माथे नहीं मढ़ सकते। अब बात आ गई उन कैंडिडेट्स के जो 300 पास आउट हुए, वो 300 पास आउट होने में 99% 95% वो लोग हैं जो 12th करके 10th करके बैठे हुए थे, जिनके पास कोई काम नहीं था, कल तक कोई रोजगार नहीं था, वो ऐसे ही भट्टी। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे टीचर से बात किया है और उनके वर्डिंग्स, उनके सेंटेंसेस मेरे पास ऑन, कई के तो कॉल रिकॉर्डिंग्स भी होंगे मेरे पास, कहीं कहीं पड़ा हुआ होगा सिस्टम में। तो बातें क्या होती हैं इसमें, सबसे जो मूल बात है कि उसे रोजगार नहीं मिल रहा है। अब वो ये देख रहा है कि एक बाइक ले ली, स्कूटी ले ली, अपना एक साधन हो गया उसके पास, और अब उसे यदि कोई 2000 रुपया भी दे रहा है, 3000 रुपया भी दे रहा है महीने के 5 दिन 7 दिन का, जो कि एक योग्य शिक्षक के एक सेटिंग का एक सेशन का चार्ज होता है, है ना। एक योग्य शिक्षक जो है, एक एमएससी पीएचडी लेवल का जो टीचर है, उसका स्टार्ट ही होता है 1000 रुपए कम से कम एक सेशन का लेता है, और वो 1000 से 5000 10000 जो भी है उसका अपना सिस्टम। लेकिन अब उसके पास ऑप्शन नहीं है, भाई हमने तो 1500 दे करके और एक महीने की ट्रेनिंग ली है, हमें एक कैंडिडेट से 3000 मिल रहा है, तो बड़ी बात है। अब अल्टरनेट में उसने मॉर्निंग एक दिन का सुबह से शाम तक 5-7 क्लास पकड़ लिया, दूसरे अल्टरनेट में 5-7 क्लास, तो 15 क्लासेस ऑन एवरेज पकड़ लिया, उसे 3000 रुपए का भी मिल रहा है कुछ, तो महीने 40-45 हजार रुपए कमा रहा है। और इसी कारण से जो व्यक्ति, जो योग शिक्षक है, उसको एक भी नहीं मिल पा रहा है, वो जीरो पर है या तो माइनस में है, ये दुर्भाग्य है, है ना। तो इसलिए दुर्भाग्य को दूर करने का पहल हम तो करेंगे ही करेंगे, किंतु इससे अधिक गवर्नमेंट को इस बात पर सोचना चाहिए, योग के लिए नहीं भी सोचे थोड़ी देर के लिए तो रोजगार के लिए सोच ले, कि रोजगार के वो अवसर पैदा करें जहां वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लोग उधर फिट हो जाएं, ताकि हमारे टेरिटरी पर उनका आक्रमण तो ना हो। ये अनावश्यक आक्रमण की वजह से ये भीड़ बढ़ रही है, और इसका सोल्यूशन तो पूरी तरह से मैंने बताया कि लोगों के ऊपर है। हाँ, धीरे धीरे यदि इस तरह के मंथन का जो है कार्यक्रम होता रहा तो लोगों तक ये बात पहुंचेगी कि अच्छा, कई तो मतलब परसेंटेज लोगों को तो ये बात ही नहीं पता है कि योग शिक्षक जो है 15 दिन में और महीने भर और 3 महीने 6 महीने पढ़ के बन रहे हैं। वो तो लोग सोचते हैं कि मतलब सभी लोग अपना 3-5 साल पढ़ जाते हैं, वो पैसे सोचते हैं, तो ये वो अंधकार में है। उनको जैसे जैसे प्रकाश में लाएंगे तो पहला वाला प्राइस का टिक छोड़ देंगे, अब वो सिर्फ साइज का और कलर का टिक ऑप्शन करेंगे, यानी कि कंटेंट क्वालिटी और हमको ये बीमारी है, हमको ठीक होना है, हमको बढ़िया टीचर चाहिए। सो देयर सिलेक्शन क्राइटेरिया विल चेंज विद टाइम प्रोवाइडेड वी गिव देम दैट आउटपुट। जी 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 आचार्य श्री, काफी आपका विवेचन बड़ा प्रासंगिक रहा, मौलिक रहा। इस विषय पे तमाम योग अध्यापकों को जरूर सोचना चाहिए। मित्रों, मैं आप सभी को एक बात और बताना चाहता हूँ। योग शिक्षक संघ 2016-15 में शुरू हुई संस्था, 15 में विचाराधीन और 16 में रजिस्टर्ड संस्था के तौर पे आपके बीच में आई, और तब से लेके आज ये 2020 का समय चल रहा है। इस 2020 तक के समय में अनवरत जो काम किया है, जो प्रासंगिकता लाई है योग शिक्षक संघ ने, उसमें उसकी मौलिकता आप सभी तक जरूर प्रेषित हो रही होगी। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि योग मंथन कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने तमाम प्रश्नों को हमारे तक पहुंचा सकते हैं। आप चाहें तो हमें info@yogshikshaksangh.org पे भेज सकते हैं, या आप www.yogshikshaksangh.org पे भी विजिट कर सकते हैं, या आप हमारे फेसबुक, इंस्टा या ट्विटर किसी भी माध्यम से योग शिक्षक संघ के पेज के माध्यम से आप हम तक अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। यदि आप हमारे पैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। यदि आप योग शिक्षक
शिक्षक हैं या योग के किसी भी विधा से जुड़े हुए हैं, तो आप सभी को मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि योग मंथन कार्यक्रम हर रविवार को आप सभी के बीच में लाइव रहेगा। और अगले विषय में जो हमारा मुख्य विषय होगा, जो अगला अगले रविवार को हम अगले विषय को रखने वाले हैं, वो है योगा ऑन गवर्नमेंट फोन। एक बहुत ही विशद विषय, एक ऐसा विषय जिस विषय में हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आखिर ये योगा की जॉब्स कैसे क्रिएट हो, आखिर किस प्रकार से ये पूरी जो इंडस्ट्री है जिसके पास में बहुत बड़ी पोटेंशियल है, बहुत बड़ी मार्केट है, वो मार्केट किस प्रकार से गवर्नमेंट बेसिस पे यूटिलाइज हो सकती है। पिछले दिनों एक एसडीएम साहब ने भी इस विषय पे एक अपनी आपत्ति जाहिर की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ। इन तमाम विषयों पे बात करेंगे। तो आज के शुभेच्छा विवेचन के साथ नवीन जी ही अपनी बात वाणी को विराम देंगे, अपने शुभेच्छा विवेचन। योग संघ के चूंकि प्रेसिडेंट है आदरणीय नवीन जी, तो इनकी इनकी ही प्रतिभूति होती है, इनका ही कर्म होता है कि आप सभी तक अपनी शुभेच्छा को पहुंचाएं और अगले आने वाले विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए आप सभी से विदा लेंगे। हमारे पास 6 मिनट का अन्य समय है, तो इन्हीं 6 मिनटों में हम अपने कार्यक्रम को समाप्त भी करेंगे और आप 6 मिनट और जुड़े रहे हमारे साथ में आदरणीय नवीन जी। जी बिल्कुल शिवम जी, इस बात पे मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि एज अ प्रेसिडेंट के तौर पे मैं इस बात को नहीं रखता हूँ, मैं एक योगी की जो पीड़ा है मैं उसकी बातों पे ये चीज बात रखना चाहूंगा कि पद देखिए पद क्या है, कभी आना जाना ये लगा रहेगा और यहाँ पे मैं हूँ, कल कोई और आएगा, उसके लिए ये चीज नहीं कि हाँ। लेकिन हाँ, जो पहली चीज है योग शिक्षक संघ जो आगे की रणनीति है, जो हम जिसपे काम कर रहे हैं और जिसपे हम निरंतर वर्क करेंगे, पहला हमारा है एम्प्लॉयमेंट को लेकर। अभी जैसे पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है उसमें हर लोग बोल रहे हैं कि नहीं सेंटर्स खुले नहीं है और ये गवर्नमेंट को खोलने चाहिए। बहुत सारे गवर्नमेंट ने 2 या 3 चीजें रिक्वायर्ड मांगी थी कि आप मुझे, मैं अभी आप लोगों से भी अपील करता हूं कि आप इन चीजों को जरूर, अगर आपके पास इसका निराकरण हो या कोई भी निवारण हो तो आप जरूर भेजें हमें, हमारे मेल पे या फिर कॉल किसी भी माध्यम से। पहला कि अगर योग हम करते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है, और अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव है तो उसकी निगेटिव एनर्जी हमारे सराउंडिंग फैलती है, उसको हम कैसे कैप्चर करें। सेकंड, योगा टोटली डिपेंड्स ऑन ब्रीथ। जब हम ब्रीथ टेक्निक की बात करते हैं तो योग हमारे अंदर घटित हो रहा है या योग की कोई भी आसन करते हैं तो वो ब्रीदिंग के साथ होती है और वो इंडोर में होता है। इसको कैसे सैनिटाइज करने के लिए क्या क्या प्रारूप आप सुझाव गवर्नमेंट ने मांगे हैं लेकिन अभी तक किसी संगठन ने दिए नहीं है। कुछ लोगों ने आवाज तो उठाई है कि नहीं ये गलत कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन हाँ जब हमसे सुझाव भी मांगा जाता है तो हमारा ही कर्तव्य है कि हम इस माध्यम से उनको पहुंचाएं, और अगर हमारी ऑथेंटिक है कि ये बातें हम जो कह रहे हैं वो ऑथेंटिक लगेगी, हम उस पर एक मूवमेंट के तौर पर जाएंगे, एक आंदोलन उस पर चलाने की कोशिश करेंगे। पहला तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि जो भी रोजगार की समस्या है गवर्नमेंट के साथ हम डील करें कि नहीं हमारे पास रोजगार की बहुत असीम संभावनाएं हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, इंडस्ट्री है, कॉर्पोरेट्स हैं, बहुत सारे सरकारी संस्थाने हैं, वहां पे हम भरपूर समाधान हो सकता है इसका। जितनी भी हम चाहेंगे योगा टीचर जितनी जनरेट उतनी उसकी कमी पड़ जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा और ये गवर्नमेंट तभी लेंगी। होता क्या है कि अभी जैसे बहुत सारे संगठन बनी कि मैं आपको इनसे बात करा दूंगा, तो मैं देख रहा हूं, मैं सोशल मीडिया पे ये देखता ही रह रहा हूं कि मैं नहीं, वैसे होगा ही नहीं, क्योंकि मैं अगर बोलूंगा तो मेरी बात सुनी जाएगी ना, गवर्नमेंट उस तरह से काम नहीं करती, गवर्नमेंट एक आदमी की विचार नहीं सुनती। यही रीजन है कि अभी तक कोई भी यूनाइट होके अभी तक किसी ने गवर्नमेंट को अप्रोच नहीं किया, दैट इज द रीजन कि वो अभी तक कोई काम इस पे विस्तार रूप पे नहीं हो पाया और वो तेजी से नहीं हो पाया। तो पहला हमारा एक मूवमेंट गवर्नमेंट मौन योगा ऑन का जो कार्यक्रम है वो हम आगे भी चला रहे हैं, आपके सुझाव उस पे जरूर दीजिए। योगा सेंटर्स खुलें उसके क्या पैरामीटर्स होना चाहिए आप हमें जरूर लिख भेजें। सेकंड, हम योगा रिसर्च के तौर पे काम करें। आज के डेट में अगर देखा जाए तो 2 या 4 गिने चुनी यूनिवर्सिटी है जो रिसर्चेस करती है, लेकिन अगर मैं कुछ रिसर्च करना चाहता हूँ या रिसर्च पेपर सबमिट करना चाहता हूँ मुझे इजीली अवेलेबल नहीं है, और वो अपनी रिसर्च पेपर ही पब्लिश करवाते हैं क्योंकि उनका इंस्टीट्यूशन का उनके स्टूडेंट्स का नाम होता है, लेकिन मैं उस समय एकेडमिक में था, मैं उस समय नहीं कर पाया, तो क्या मैं बाद में नहीं कर सकता या बाद में, तो उसमें बहुत समस्या आती है। योग शिक्षक संघ एक पहल कर रहा है कि योग एक रिसर्च विंग बना रहा है जिसमें कि आप अपने रिसर्चेज को सबमिट करेंगे और वो ओपन पोर्टल पे रहेंगी जहाँ पे आपके कंटेंट को कहीं नहीं दर्शाया जाएगा लेकिन किसने क्या रिसर्च किए उसको जरूर दर्शाएंगे और गवर्नमेंट के साथ सबमिट करेंगे, उस पर उनको अपनी ऑथेंटिसिटी के अकॉर्डिंग उन पे विचार करना होगा। थर्ड, हम जो कोशिश कर रहे हैं विमेन्स एम्पावरमेंट की। आज तक जितनी भी संगठन बनी, बहुत सारे संगठन बहुत बड़े बड़े लेवल पे बने और बहुत अच्छी अच्छी फंडिंग्स भी उन्हें गवर्नमेंट कर रही है, उनका हम विरोध नहीं करते,
आप फंडिंग ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है आप फंडिंग ले, लेकिन करती है तो कुछ? आज योगा के टीचर्स इतने परेशान हैं, आप किस कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है, या ये भी नहीं बोल रहा है कि आप मेरे साथ आओ चलो। कुछ संगठन आगे आ रही हैं, उनका स्वागत है, हम ये नहीं कह रहे कि आप अच्छा नहीं कर रहे, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हाँ एक यूनाइट वे में चलें। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप एक सामंजस्य बैठाएं, हम उन्हीं चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे। अगर आपके थॉट्स अच्छे हैं हम उनको सहयोग करेंगे, हमारे थॉट्स अच्छे हैं हम उनको कंसिडर करेंगे, लेकिन एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जब योगा की यूनिटी की बात करते हैं तो हम यूनिटी में चलें, ये हमारा योग शिक्षक संघ का मूल उद्देश्य है। और विमेन एम्पावरमेंट में हम इसलिए जोर दे रहे हैं कि अभी तक देखें जितनी भी संगठन चलती हैं उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा रोल होता है। योगा टेरिटरी में आज महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पे उन्हें कहीं जगह नहीं मिल पा रही है। बहुत सारे उनका शोषण भी होता है लेकिन वो आवाज नहीं उठा पाती है। वो आप एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं 5 सालों में जो उन्हें फेस की मैं बताता हूँ। एकेडमिक सेशन से जैसी बच्चियां निकलती हैं उनके पास 2 या 3 साल का समय होता है, 3 साल का समय होता है, उसके बाद उनकी विवाह होती है। वो शायद कुछ लोग तो इस प्रोफेशन को कंटिन्यू करते हैं लेकिन कुछ नहीं, कुछ लोगों में लालसा लेकर निकलते हैं कि नहीं मुझे कुछ करना है, और इसी के कारण वो शहर में मेट्रो सिटीज में आते हैं और वहां पे उनकी जॉब के नाम पर या फिर आपको एक नेम एंड फेम देने के नाम पे शोषण किया जाता है। इस पे कोई भी आवाज नहीं उठती और वो आवाज दब जाती है। उस पे योग शिक्षक संघ एक मुहिम विमेन एम्पावरमेंट के चला रहा है और आगे इस पर निरंतर काम होता रहेगा। तो ये 3 मुख्य बिंदु हैं जिसे हमने अभी कंसीडर किया। पहला, हम इम्प्लॉयमेंट पे पूरी तरह से फोकस हैं क्योंकि इस पेंडेमिक सिचुएशन में रियली में अगर सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड कोई एरिया हुआ है तो वो योग हुआ है। जबकि आप देखें योगा टीटीसी या फिर योगा रिट्रीट्स का जो एरिया है वो बिलियन में जाता है और सरकार को हम टैक्स पे करते हैं। जब हम टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को तो हमारी टैक्स का जो पैसा वो दूसरे इंडस्ट्री को नहीं दे सकते, वो हम पे खर्च करना पड़ेगा उनको, ये बात हम उस पे रख रहे हैं। सेकंड, हमारा एजुकेशन पे पूरा फोकस्ड है कि मिनिमम रेट पे सुलभ और अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करना, जिसमें कि रिसर्च विंग भी शामिल होगा जो कि एजुकेशन कमेटी हमारी है वो इस पे विचार कर रही है। थर्ड, हमारा विमेन एम्पावरमेंट पे हम ये काम कर रहे हैं। ये 3 मुख्य बिंदु को लेकर हम अभी चल रहे हैं और हमारे मूवमेंट में मैं आपसे सभी से आग्रह करूंगा कि आप हमारे इस मूवमेंट में जरूर जुड़िए, योग मंथन कार्यक्रम में और हमारे इस योगा ऑन गवर्नमेंट मौन के कार्यक्रम में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत आभार आप सभी का, हमारे पैनलिस्ट प्रेसिडेंट योग शिक्षक संघ आदरणीय नवीन जी और योगधारा के संचालक और योगधारा के कर्ता धर्ता आचार्य रविशंकर तेजस्वी जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपने अपना विशद 1 घंटा हमें दिया और इस दौरान जो विषय वस्तु आपने रखी है वास्तव में ये विद्वता की प्रगाढ़ता को प्रदर्शित करता है और इससे आज न जाने कितने योग अध्यापक इसे लाभान्वित हुए हैं। और ऐसी कामना और शुभेच्छा है और आशा भी है कि आगे भी अनवरत आप सभी का सहयोग मिलता रहेगा और योग शिक्षक संघ का ये कार्यक्रम जो योग मंथन आपने शुरू किया है, हमने मिलकर शुरू किया है, ये योग शिक्षकों तक बहुत विशदता के साथ पहुंचेगा और ये जरूर उन सभी के बीच में उनके ही प्रश्नों को लेके आए जिसके कारण से वो अपनी आवाज को उठा सके। आज इन्हीं कार्यक्रमों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, मैं आप सभी से विदा लेता हूं और अपने पैनलिस्टों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत आभार। नमस्कार सर, धन्यवाद। धन्यवाद।